आज इस यशु भूमि में पहली बार ड्राई फ्रूट्स और नट्स एग्जीबिशन के साथ साथ मेवा इंडिया 2024 कॉन्फ्रेंस में आए सभी 20 देशों से ज्यादा सदस्यगण, भारत के अलग अलग राज्यों से आए, इस व्यापार उसके साथ जुड़ी इंडस्ट्री में काम करने वाले सभी लोगों को मैं इस मेवा इंडिया 2024 के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझे खुशी है कि नट्स एंड ड्राई फ्रूट काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा ये एक सफलतम प्रयास किया गया और पहले प्रयास में जिस तरीके की सफलता के परिणाम आए, मैं इसके लिए एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री गुलजैन जैन जी को, इस संस्था के अध्यक्ष राजू भाटिया जी को, राहुल कामत जी को और विशेष रूप से जिनके आग्रह पर आया सुनील जी को, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस एसोसिएशन ने एक ऐतिहासिक प्रयास किया है जिसका बहुत दूरगामी प्रभाव भारत में होगा, भारत की इंडस्ट्री सेक्टर को होगा, भारत की ट्रेड सेक्टर को होगा और विशेष रूप से एसोसिएशन ने एक प्रयास किया है कि हम किस तरीके से भारत के अंदर ड्राई फ्रूट और नट्स का, एग्रीकल्चर बागवानी का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करें ताकि हम ड्राई फ्रूट और नट में आत्मनिर्भर भी हों और दुनिया के अंदर हम एक्सपोर्ट भी कर सकें। इसके लिए एक प्रयास करने की कोशिश की है। भारत दुनिया का हमेशा ट्रेड व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। हम अगर भारत के विरासत में जाएं, तो जब साधन नहीं हुआ करते थे उस समय भी हमारे व्यापार करने वाले, ट्रेड करने वाले व्यापारी कई दिनों की यात्रा करने के बाद भी भारत के स्पाइस, भारत के मसाले दुनिया में बेचते थे। उनकी सुगंध आज भी दुनिया में उनकी महक है। मुझे याद है संसाधनों की कमी थी, पैकिंग की नई टेक्नोलॉजी की कमी थी, कई सारे संसाधनों के अभाव थे, लेकिन उसके बाद भी जब हम विरासत में जाते हैं तो मैं देखता हूं कि दुनिया के अंदर भी उन अधिकतम देशों के अंदर भारत का व्यापारी, ट्रेड और व्यापार का काम आज भी भारत का व्यापारी वहां पर कर रहा है जो मूल भारत का है। और कई देशों में तो मैंने पूछा, कई की तो पीढ़ियां वहां पर रहते हुए भारत से माल परचेज करती थी और फिर वहां मसाले अन्य उद्योगों को बेचने का, दुकानों को बेचने का काम करती थी। और इसी के साथ साथ
ड्राई फूड में हम बहुत बड़े इंपोर्टर दुनिया से हैं, क्योंकि भारत का बाजार सबसे बड़ा बाजार है। उपभोक्ताओं की दृष्टि से देखें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा उपभोक्ता भारत में है। इसलिए काफ़ी सालों से हम विशेष रूप से ड्राई फ्रूट और मेवे दुनिया के अलग अलग देशों से इंपोर्ट करते हैं, और मुझे खुशी है कुछ ड्राई फ्रूट, कुछ हमारी जड़ी बूटियां और हमारे कोई फ्रूट्स आज हम दुनिया में बेचने का काम करते हैं। अभी मैं निकल रहा था तो मैंने केसर का स्टॉल देखा। भारत की केसर दुनिया के अंदर सबसे बेस्ट क्वालिटी की केसर है, और इसीलिए हम जब कश्मीर की बात करते हैं तो हम जन्नत बताते हैं केसर की क्यारी के रूप में। भारत दुनिया का दूसरा नंबर का देश है जो दुनिया के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर केसर का एक्सपोर्ट करने का काम करता है। निश्चित रूप से कुछ इलाके हमारे हैं, हिमाचल का इलाका है जिसका सेब दुनिया में जाता है, हमारे कुछ इलाके काजू उत्पादन के भी हैं, कुछ इलाके हमारे बादाम के उत्पादन के भी धीरे धीरे बढ़ने लगे, लेकिन फिर भी बड़ी मात्रा के अंदर हम मेवे दुनिया से इंपोर्ट करने के काम कर रहे हैं। हमारी दार्जिलिंग की चाय, बेंगलोर की कॉफी, उसने दुनिया के अंदर अपनी साख जमाई है, और साख के साथ दार्जिलिंग की चाय, कर्नाटक की कॉफी दुनिया के अलग अलग हिस्सों के अंदर जाती है और लोग पसंद भी करते हैं। लेकिन विशेष रूप से मैं आज एसोसिएशन को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों के जो एक्सपोर्टर हैं उनकी एग्जीबिशन भी लगाई है। आपकी कॉन्फ्रेंस होगी, मंथन होगा, विचार विमर्श होगा, और विचार विमर्श के साथ हम ट्रेड व्यापार को किस तरीके से और बढ़ा सकते हैं इस दिशा के अंदर भी काम होगा। मुझे अभी बता रहे थे कि किस तरीके से इस समय भारत के अंदर हम बादाम हो, अखरोट हो, ऐसे कई कच्चे माल को यहाँ पर मंगाते हैं और प्रोसेस और पैकिंग कर देश में भी बेचते हैं और दुनिया में भी बेचते हैं। इससे लाखों लोगों का रोजगार ये संस्थाएं दे रही है, व्यापार दे रहा है, ट्रेड दे रहा है। आज लाखों लोग इस काम में लग रहे हैं। विशेष रूप से केरल की साइट में चले जाएं, कर्नाटक साइट में चले जाएं तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लग रही है, लेकिन एक दिशा और बनाने की आवश्यकता है। जहां दुनिया के बढ़िया मेवे हम इंपोर्ट करें, अब समय आ गया है कि भारत के अंदर हम इनका उत्पादन करने का भी काम करें। भारत के अलग अलग राज्यों की अलग अलग जलवायु क्लाइमेट है, क्लाइमेट की विविधता भारत में है, भारत की भौगोलिक स्थितियां भी अलग है, भारत की संस्कृति विविधता भारत की ताकत है, और दुनिया में हमने दिखाया है कि हम किस तरीके से हमारी जितनी डाइवर्सिटी है उतनी लोकतंत्र की हमारी ताकत है। और आज दुनिया देखती है कि इतनी विविधताओं वाला देश जहां अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग खान पान, अलग अलग उत्पादन, अलग अलग जलवायु परिवर्तन, उन सबके बाद भी भारत इन विविधताओं के कारण ही एक है, ये दुनिया आश्चर्यचकित करती है। दुनिया के देशों को जब आप बताएंगे कि दुनिया के जितने भी देश धर्म है वो धर्म की पालन करने वाले लोग भारत में रहते हैं, उनको स्वतंत्रता है,
और इसीलिए दुनिया के अंदर लोकतंत्र की ताकत भी भारत की है कि हमने संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था से इस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर भारत का विकास किया है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लक्ष्य रखा है कि 2047 तक भारत को हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे, और इस विकसित राष्ट्र के सपनों को पूरा करने के लिए हम सबको सामूहिकता से काम करना होगा, मिलकर काम करना होगा, हर क्षेत्र में काम करने वाले अलग अलग लोगों को किस तरीके से विकसित भारत में हमारा सहयोग हो और हम दुनिया के अंदर विकसित भारत के सपनों को भी कर सके और दुनिया के देशों को भी आर्थिक डेस्टिनेशन के काम करने के लिए भारत से ज्यादा उपयुक्त जगह कोई नहीं हो। अभी एसोसिएशन के पदाधिकारी मुझे बता रहे थे कि कई देशों के व्यापारी यहां पर व्यापार करने आते हैं और उनकी अपेक्षा है, उनकी इच्छा है कि हम आने वाले समय के अंदर भारत के अंदर ही हमारे पैकिंग सिस्टम को, हमारे रॉ मटेरियल को पैक करने के सिस्टम को डेवलप करें और उसके साथ साथ दुनिया के कई देश ये भी संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर एग्रीकल्चर और बागवानी सिस्टम को कैसे डेवलप करें ताकि हम दुनिया के अंदर इन मेवे उत्पादन का बड़ा केंद्र भारत बन सके। और मुझे आशा है अगर आपके प्रयास रहे, हम किसानों को, प्रगतिशील किसानों को नई दिशा दें, जो हमारी जिस देश प्रदेश का जैसा क्लाइमेट है उस क्लाइमेट के अनुसार कौन सा मेवा, कौन सा ड्राई फ्रूट वहां उत्पादन होने की संभावना है, पैदा होने की संभावना है, उस पर विचार करें, उनको तकनीकी दक्षता दें, उनको एग्रीकल्चर की नई टेक्नोलॉजी देने का काम करें। दुनिया के अंदर जहां जहां भी ऐसे ड्राई फ्रूट पैदा हो रहे हैं उनके बढ़िया पौधों और बीजों को लाने का यहां पर काम करें ताकि आने वाले समय के अंदर हम भारत के किसान को ड्राई फ्रूट उत्पादन का बड़ा केंद्र बनाने में कामयाब हो सके। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि दुनिया की बेस्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के यहां पर लाएं, हमारे किसानों को उसके लिए प्रशिक्षण दें, उनको टेक्नोलॉजी का सहयोग करें, उनको आर्थिक सहयोग करें और आने वाले समय के अंदर भारत को ड्राई फ्रूट और नट उत्पादन का बड़ा केंद्र बनाने का आपका लक्ष्य और संकल्प पूरा होगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है आने वाले समय के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी, ड्राई फ्रूट और नट के अंदर भी भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादन का केंद्र बने, इस लक्ष्य के साथ हमें काम करना है। और मुझे आशा है आज दुनिया भर में भारत के मसाले जाते हैं। मैं जिस इलाके में आता हूं वहां का धनिया दुनिया में जाता है, जिसकी महक है। भारत का धनिया हो, भारत की हल्दी हो, भारत की मिर्ची हो, ये ऐसे काली मिर्च हो, ये ऐसे मसाले हैं जो भारत से दुनिया के अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट हो सकते हैं। हमें उसके लिए नई टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा, हमें किसानों को नई टेक्नोलॉजी के साथ, नए विज्ञान, नए रिसर्च के साथ कम जमीन पर ज्यादा उत्पादन, इस दिशा के अंदर भी काम करना होगा। राजस्थान और गुजरात का इलाका जीरा का बड़ा उत्पादन का हब है, तो आने वाले समय के अंदर जितने भी हमारे मसाले हैं
इन मसालों के उत्पादनों का हब भारत बना सके, यही प्रोसेस हो सके, यही पैकिंग हो सके, ताकि एक तरफ किसानों को काम मिलेगा, किसानों की आमदनी होगी, प्रोसेसिंग प्लांट लगेंगे तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा, पैकिंग प्लांट मिलेगा तो रोजगार मिलेगा। यहाँ पर हम रोजगार के नए सृजन करने के लिए भी ये इंडस्ट्रीज सबसे बड़ा काम कर सकती है, और इसके लिए आपके एसोसिएशन ने कहा है कि हम प्रयास कर रहे हैं, आने वाले समय में इसका बेहतरीन परिणाम होगा। आपने पहली बार इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। इस कॉन्फ्रेंस को लेकर दुनिया भर के लोगों में बहुत उत्साह है, उन भारत में आने वाले लोगों को आप भारत की विविधताएं दिखाएं, यहाँ के पर्यटन सर्किट दिखाएं, अलग अलग राज्यों की भौगोलिक स्थिति के अनुसार किसानों से उनका संवाद करें। किसान और उनका संवाद का भी एक सेशन आपको रखना चाहिए, ताकि किसान क्या पैदा कर सकता है, कौन सी क्लाइमेट में क्या चीज हो सकती है। किसान और व्यापारी अगर ये दोनों मिलकर इस दिशा के अंदर काम करेंगे तो हम ज्यादा बेहतरीन और ज्यादा उत्कृष्ट परिणाम निकाल पाएंगे। इसलिए मैं पुनः एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को और देश भर से आए सभी व्यापारी, ट्रेड, प्रोसेसिंग, पैकिंग और उसके साथ दुनिया भर से आए लोगों को भारत की धरती पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप ये जो यशोभूमि देख रहे हैं, ये यशोभूमि भारत के प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है। हमारी P20 की पहली कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुई थी, जिसमें देश भर के G20 के देशों के स्पीकर भारत में आए थे। जब उन्होंने यशोभूमि को देखा तो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को देखा, भारत के अंदर यशोभूमि हो, भारत मंडप हो, आने वाले समय में भारत विकास के नए आयाम छू रहा है, और इस तरीके के यशोभूमि और भारत मंडप के केंद्रों से एग्जीबिशन और सेमिनार का बड़ा केंद्र यहाँ होगा। आने वाले समय में यहाँ पर बड़े होटल भी बनने वाले हैं, ताकि बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस का सेंटर होगा, और दुनिया के लिए, विश्व के लिए एग्जीबिशन लगाने के लिए भारत एकमात्र केंद्र होगा। इसके लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ, और आपने यहाँ पर इस एग्जीबिशन को, इस कॉन्फ्रेंस को यहाँ किया, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद।